हेलो एवरीवन, आज का अपना टॉपिक है सीपीआर। सीपीआर मींस कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। क्लियर है? तो आज अपन इस टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस की वजह से, और कॉलेज के अंदर भी अगर आप प्रैक्टिकल बेस पे फंडामेंटल के अंदर सीपीआर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक के अंदर आज अपन जितने भी इस टॉपिक से नर्सिंग ऑफिसर कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं उन सारे के सारे क्वेश्चन के बारे में क्या करेंगे, बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सीपीआर की फुल फॉर्म। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीआर? तो द राइट आंसर या फुल फॉर्म ही द कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। क्लियर है? अगर अपन इसके वर्ड की बात करें तो कार्डियो डील करता है किससे? सीवीएस से। सीवीएस से मीन्स हार्ट से। सीवीएस मीन्स हार्ट से। एंड पल्मोनरी डील करता है रेस्पिरेशन से, रेस्पिरेटरी से, रेस्पिरेटरी। और रेस्पिरेटरी में लंग्स। एंड रिसक्सिटेशन का मतलब होता है रिगेन ऑफ फंक्शन, रिगेन ऑफ फंक्शन। यानी कि एक पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है एंड सडनली वो उसका हार्ट या लंग्स क्या करना, काम करना बंद कर देता है। पेशेंट अरेस्ट में, रेस्पिरेटरी या कार्डिक अरेस्ट में चला जाता है। तो उसके वापस फंक्शन को रीगेन करने के लिए अपन एक प्रोसीजर करते हैं जिसका नाम है सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। क्लियर है? अगर अपन इसके डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सीपीआर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सीपीआर? तो सीपीआर ये सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो सीपीआर ये इमरजेंसी प्रोसीजर, सीपीआर क्या है? एक इमरजेंसी प्रोसीजर है। क्लियर है? नेक्स्ट, इन विच क्या किया जाता है? सेस्ट कंप्रेशन, कंप्रेशन फॉर सर्कुलेशन एंड गिव आर्टिफिशियल ब्रीथिंग टू इंटैक्ट ब्रेन ब्रेन फंक्शन टू इंटैक्ट ब्रेन फंक्शन एंड कार्डियक एंड रेस्पिरेशन। क्लियर है? तो अगर अपन इसके डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं? तो डेफिनेशन के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि सीपीआर ये इमरजेंसी प्रोसीजर, ये बहुत ही इमरजेंसी प्रोसीजर है। आपको एज सुन एज पॉसिबल पेशेंट को क्या करना है, आपको रिसक्सिटेट करना है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, जैसे ही पेशेंट सडनली कार्डियक अरेस्ट के अंदर या रेस्पिरेटरी अरेस्ट के अंदर चला जाता है, देन स्टार्ट द सेस्ट कंप्रेशन किया जाता है उसके टू मेंटेन द सर्कुलेशन, उसके सेस्ट को कंप्रेस करके, और बाहर से आर्टिफिशियल ब्रीथिंग दिया जाता है। अगर पेशेंट या पर्सन अगर इनेबल टू है, यदि वो प्रॉपर अपना रेस्पिरेटरी मेंटेन नहीं कर रहा है, अगर वो रेस्पिरेट नहीं कर पा रहा है ऑक्सीजन को, तो आर्टिफिशियल उसको क्या दी जाती है, ब्रीथिंग दी जाती है। और ब्रीथिंग के अंदर अपन क्या करते हैं, ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं टू इंटैक्ट द ब्रेन कार्डिक एंड रेस्पिरेटरी फंक्शन, उस पेशेंट के पर्सन के ब्रेन और ब्रेन को डैमेज होने से बचाने के लिए, रेस्पिरेटरी और कार्डिक फंक्शन को मेंटेन करने के लिए अपन इस प्रोसीजर को करते हैं जिसका नाम है सीपीआर। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सीपीआर। अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट सडनली कार्डिक अरेस्ट में चला गया है, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, असेसमेंट। क्या करना है? असेसमेंट, पेशेंट को असेस करना है। और असेस के अंदर अपन को देखना है कि पेशेंट क्या कर रहा है, रेस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, रेस्पॉन्ड या नॉट रेस्पॉन्ड। यदि पेशेंट नॉट रेस्पॉन्ड कर रहा है, यदि पेशेंट के अंदर किसी भी टाइप का रेस्पॉन्ड नहीं है, देन इमीडिएट स्टार्ट सीपीआर। अगर पेशेंट के अंदर किसी भी टाइप का
रेस्पॉन्स नहीं है देन इमीडिएट स्टार्ट सीपीआर, और यदि पेशेंट रेस्पॉन्ड कर रहा है, यदि किसी टाइप का रेस्पॉन्स दे रहा है देन नो नीड सीपीआर, नो नीड सीपीआर। तो ये है दो तरीके कि पेशेंट को सीपीआर देना है या नहीं देना है। अगर पेशेंट को सीपीआर देना है देन पेशेंट क्या होगा, नॉट रेस्पॉन्डिंग। अगर वो अरेस्ट में चला गया है तो वो किसी टाइप का रेस्पॉन्स नहीं कर रहा होगा देन स्टार्ट सीपीआर। और यदि पेशेंट के अंदर रेस्पॉन्स प्रेजेंट है, किसी न किसी टाइप की अगर वो एक्टिविटी कर रहा है देन उसको नो नीड सीपीआर, उसको सीपीआर की जरूरत नहीं है, देन अपन फर्दर मैनेजमेंट करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर अगर अपन को सीपीआर देना है तो सीपीआर देने के लिए अपन एक फॉर्मूला यूज में लेते हैं। फॉर्मूला, फॉर्मूला मीन्स एक सीक्वेंस अपन यूज करते हैं जिसका नाम है सी ए बी डी। व्हाट इज द फॉर्मूला? सी ए बी डी। सी मीन्स सर्कुलेशन, सी मीन्स सर्कुलेशन, ए फॉर एयरवे, ए मीन्स एयरवे, बी फॉर ब्रीथिंग, ब्रीथिंग, एंड डी फॉर डिफिब्रिलेटर। अगर अपन को पेशेंट को सीपीआर दे रहे हैं तो सीपीआर देने के लिए जो सीक्वेंस यूज में लेंगे तो वो अपन सीक्वेंस क्या होगा अपना, सी ए बी डी, सी ए बी डी। सी फॉर सर्कुलेशन, ए फॉर मेंटेन एयरवे, बी फॉर डिलीवर ब्रीथिंग, एंड अगर अपन लास्ट स्टेज के अंदर अपन को जो मैनेजमेंट देना होता है, अगर सीपीआर से पेशेंट रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है या रिकवर नहीं हो रहा है तो लास्ट स्टेज में अपन उसको देते हैं डिफिब्रिलेटर। क्लियर है? तो ये था अपना सीक्वेंस अपन को सीपीआर देने का, सी ए बी डी फॉर्मूला। क्लियर है? तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सर्कुलेशन के बारे में। नंबर वन पॉइंट सर्कुलेशन करेंगे अपन। तो सर्कुलेशन के अंदर अपन सबसे पहले देखने वाले, जैसे ही पेशेंट सडनली कार्डियक अरेस्ट में चला गया है और पेशेंट रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या पेशेंट रेस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है, अगर अपन को सीपीआर स्टार्ट करना है तो सबसे पहले अपन करते हैं नंबर वन चेक पल्स, पेशेंट की पल्स को चेक करते हैं। क्लियर है कि पल्स प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन में दो कंडीशन हो सकती है, या तो पल्स प्रेजेंट हो सकती है या पल्स एब्सेंट हो सकती है। यदि पेशेंट की पल्स एब्सेंट है, पल्स नहीं आ रही है, पल्स फील नहीं हो रही है देन सीपीआर स्टार्ट, देन इमीडिएट स्टार्ट सीपीआर। क्लियर है? यदि पल्स प्रेजेंट है सीपीआर की जरूरत नहीं है, पेशेंट को आप फर्दर मैनेजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चेक पल्स के बाद में दूसरा क्या होगा, अपन को क्या चेक करना है, चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन, यदि पल्स एब्सेंट है, पल्स नहीं आ रही है देन सर्कुलेशन के अंदर दूसरा पॉइंट अपना क्या होगा, चेस्ट कंप्रेशन, एंड थर्ड ओपन एयरवे, ओपन एयरवे, यानी कि अपना नोज से या माउथ से लगाकर जो लंग्स तक का जो एयरवे है उसको क्या रखना है, ओपन रखना है, यानी कि वहां पे किसी भी टाइप का क्या ना हो, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो। अगर ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है तो आपके कंप्रेशन या ब्रीथिंग या जो आप ऑक्सीजन दे रहे हो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए अपन को क्या रखना है, ओपन एयरवे। और नंबर फोर्थ पॉइंट है इसके अंदर डिलीवर ब्रीथिंग, डिलीवर ब्रीथिंग। तो सर्कुलेशन के अंदर अपन ने चार पॉइंट पढ़े कि जैसे ही पेशेंट सडनली कार्डियक अरेस्ट में चला गया है देन चेक द पल्स, कौन सी पल्स चेक करनी है, साइट क्या है, वो अपन अभी नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपन को क्या करना है, पल्स को चेक करना है, फील करना है। अगर पल्स क्या है, एब्सेंट है देन इमीडिएट स्टार्ट द सीपीआर। क्लियर है? और सीपीआर के अंदर सबसे पहले अपन करना है चेस्ट कंप्रेशन करेंगे, उसी के साथ में अपन ओपन द एयरवे, पेशेंट के जो एयरवे है उसको क्या रखना है, ओपन रखना है, देन डिलीवर ब्रीथिंग, उसको अपन रेस्पिरेटरी या ब्रीथिंग क्या करना है, डिलीवर करना है। सर्कुलेशन के अंदर वन बाय वन मेनवर, सीरियल नंबर, क्या क्या पॉइंट होंगे, कितने पॉइंट होंगे, मेनवर मतलब
कौन कौन सी अपन एक्टिविटी करने वाले हैं, अडल्ट के अंदर उसका क्या रोल रहेगा, चाइल्ड के अंदर कैसे उसको अप्लाई करेंगे, एंड देन इन्फेंट, अपन तीनों का अपन साथ में पढ़ने वाले हैं अपन कंपेयर करके की। तो ठीक है, तो नंबर वन अपन बात करते हैं। नंबर वन अपन ने बोला था पल्स चेक, पल्स पल्स को चेक करना है और उसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो होगा लेस देन 10 सेकेंड। क्लियर है? अपन ने बोला सबसे पहले जैसे ही पेशेंट सडनली कार्डिक अरेस्ट में गया है तो अपन को पल्स चेक करना है और उसका जो ड्यूरेशन होगा वो लेस देन 10 सेकेंड होगा। क्लियर है? अगर ऐसा नहीं है कि पेशेंट कार्डिक अरेस्ट में है और अपन पूरा 1 मिनट तक काउंट कर रहे हैं तो पेशेंट की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो अपन को लेस देन 10 सेकंड के अंदर पेशेंट का पल्स असेस करना है, अपन को पता लगाना है कि पल्स आ रही है या नहीं आ रही है। क्लियर है? नेक्स्ट है, अगर अपन को अडल्ट के अंदर पल्स चेक करनी है तो जो पल्स की जो साइट होगी वो होगी कैरोटिड, कैरोटिड पल्स। क्लियर है? और कैरोटिड पल्स कहां पे होती है, बिलो द नेक कैरोटिड आर्टरी यहां पे होती है। तो यहां पे जो कैरोटिड पल्स होती है उसको अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे। ये कहां किसके अंदर चेक करेंगे, अपन अडल्ट के अंदर। यदि क्वेश्चन आता है कि एक अडल्ट पर्सन के अंदर अपन को सीपीआर के ड्यूरिंग कौन सी पल्स को असेस करते हैं, द राइट आंसर इज द कैरोटिड पल्स। क्लियर है? अगर आपको चाइल्ड के अंदर, बच्चे के अंदर अगर आपको पल्स का असेसमेंट करना है देन आंसर इज द फीमोरल पल्स, फीमोरल पल्स, फीमोरल पल्स। क्लियर है? देन अगर इन्फेंट के अंदर आपको पल्स चेक करनी है देन ब्रेकियल पल्स, ब्रेकियल पल्स। अगर ब्रेकियल पल्स फील नहीं हो रही है देन आप उसके अलावा फीमोरल पल्स भी चेक कर सकते हो। लेकिन यदि प्रायोरिटी पे आंसर जाएगा आपका ब्रेकियल पल्स, ब्रेकियल पल्स मीन्स ये आपका जो एल्बो होता है इसके आगे की साइड में ब्रेकियल प्लस आर्टरी होती है, वहां पे ब्रेकियल पल्स आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है? तो पहला पॉइंट क्लियर है, अगर आपको पल्स चेक करनी है लेस देन 10 सेकंड के अंदर, अडल्ट के अंदर कैरोटिड पल्स, चाइल्ड के अंदर फीमोरल, देन इन्फेंट के अंदर ब्रेकियल या फीमोरल पल्स चेक कर सकते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट है चेस्ट कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन। अडल्ट के अंदर आपको चेस्ट कंप्रेस करना है देन यूज टू हैंड। क्लियर है? अगर आपको चाइल्ड के अंदर चेस्ट कंप्रेस करना है देन टू हैंड यूज में ले सकते और वन हैंड। वन हैंड यदि आपको इन्फेंट के अंदर देन यूज टू थंब और टू फिंगर। यदि न्यूबॉर्न है तो न्यूबॉर्न के अंदर आप टू थंब से आपको चेस्ट कंप्रेस कर सकते हो या टू फिंगर से भी अपन क्या कर सकते हैं, चेस्ट कंप्रेस कर सकते हैं। क्लियर है? तो चेस्ट कंप्रेशन के अंदर अगर अडल्ट के अंदर है देन यूज टू हैंड एंड अगर चाइल्ड है आल्सो यूज वन हैंड और टू हैंड एंड इन्फेंट है यूज टू थंब एंड टू फिंगर्स। क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट कंप्रेशन लैंडमार्क, कंप्रेशन लैंडमार्क। यानी कि यदि आप चेस्ट कंप्रेस कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि चेस्ट में किस जगह पे आपको कंप्रेशन देना है। क्लियर है? तो उस अपन पॉइंट को बोलेंगे अपन लैंडमार्क। अगर अडल्ट की बात करें तो जो कंप्रेशन लैंडमार्क होता है वो होता है लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम, लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम। क्लियर है? इसको अपन एक और पॉइंट के अंदर बोले तो सेंटर और निप्पल लाइन, या इसको एक और बोल सकते हैं अपन बिटवीन द निप्पल, निप्पल लाइन कंप्रेशन लैंडमार्क अडल्ट के अंदर। देन अपन को क्या करना है, लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम,
स्टर्नम जो बोन होती है अपनी, उसके लोअर साइड में, लोअर पार्ट के अंदर, जहां पे जो ब्रेस्ट बट के जो निप्पल होते हैं उसके सेंटर पार्ट के अंदर, यानी कि बिटवीन द निप्पल लाइन, वहां पे अपन को क्या करना है, चेस्ट कंप्रेशन करना है। अगर चाइल्ड के अंदर बात करें तो वही सेम, लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम बोन, क्लियर, सेम वही सेंटर ऑफ निप्पल लाइन या बिटवीन द निप्पल लाइन, क्लियर है। नेक्स्ट, अगर अपन इन्फेंट के अंदर अपन चेस्ट कंप्रेस कर रहे हैं तो उसके अंदर जो लैंडमार्क होगा वो होगा जस्ट बिलो द निप्पल लाइन, जस्ट बिलो द निप्पल लाइन, जो निप्पल लाइन होगा उससे 1 सेंटीमीटर, 1 to 2 सेंटीमीटर थोड़ा सा नीचे की तरफ, वहां पे अपन क्या करेंगे, चेस्ट को कंप्रेस करेंगे, क्लियर है। तो ये था कंप्रेशन लैंडमार्क, अडल्ट के अंदर लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम, देन चाइल्ड के अंदर भी लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम, एंड अगर इन्फेंट है, न्यूबॉर्न है, उसके अंदर अपन जस्ट बिलो द निप्पल लाइन, वहां पे क्या करते हैं, अपन चेस्ट कंप्रेस करते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ नंबर पॉइंट है कंप्रेशन डेप्थ, कंप्रेशन डेप्थ, कि यदि आप चेस्ट कंप्रेस कर रहे हो तो कितना डेप्थ या कितना डीपली कंप्रेस करोगे ताकि आपको प्रॉपर आपके हार्ट तक प्रेशर लग पाए, क्लियर है। तो नेक्स्ट, अगर अपन बात करते हैं अडल्ट के अंदर, तो अडल्ट के अंदर अपन को कंप्रेस करना है 2 इंच यानी कि 5 सेंटीमीटर, क्लियर है। और चाइल्ड के अंदर भी अगर अपन चेस्ट कंप्रेस करेंगे तो वो भी कितना होता है, 2 इंच, क्लियर है, यानी कि 5 सेंटीमीटर, क्लियर। अगर अपन इन्फेंट के अंदर तो वो होता है 1.5 इंच यानी कि 3.5 सेंटीमीटर अप्रोक्स, क्लियर है। अगर आपको चेस्ट कंप्रेस करना है तो कितना कंप्रेस करना है, अगर अपन को अडल्ट के अंदर इज 5 सेंटीमीटर, चाइल्ड के अंदर आल्सो 5 सेंटीमीटर, एंड इन्फेंट के अंदर 1.5 इंच यानी कि 3.5 सेंटीमीटर, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्रेशन रेट यानी कि 1 मिनट के अंदर आपको कितने कंप्रेशन देने हैं, देन अडल्ट के अंदर 100 कंप्रेशन पर मिनट, चाइल्ड के अंदर भी 100 कंप्रेशन पर मिनट, एंड इन्फेंट के अंदर भी 100 कंप्रेशन पर मिनट। अगर आपको सीपीआर देना है तो 1 मिनट के अंदर आपको कंटिन्यूटी कितने 100 कंप्रेशन देने पड़ेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट अपना, नेक्स्ट 6th नंबर पॉइंट है कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो। यदि आप किसी पेशेंट की चेस्ट कंप्रेस कर रहे हो तो उसी के साथ में कितना वेंटिलेशन देना है, उसका रेशियो क्या होगा, देन अडल्ट के अंदर 30:2, 5 साइकिल इन 2 मिनट, 5 साइकिल इन 2 मिनट, यानी कि आपको 2 मिनट के अंदर 30:2 के क्या देने, 5 साइकिल देने, यानी कि 30 बार कंप्रेशन, देन 2 बार ब्रीथिंग, देन 30 बार कंप्रेशन और 2 बार ब्रीथिंग, इसी के साथ में आपको 2 मिनट के अंदर कितने साइकिल देने, 5 साइकिल। अगर आप चाइल्ड के अंदर अगर कंप्रेशन वेंटिलेशन का रेशियो देखोगे तो उसका भी होता है 30:2, यानी कि 5 साइकिल इन 2 मिनट, 5 साइकिल इन 2 मिनट। अगर अपन इन्फेंट की बात करें तो इसके अंदर जो कंप्रेशन वेंटिलेशन का रेशियो होता है वो होता है 15:2। यदि क्या है टू रेस्क्यू है तो 30:2, इसके अंदर है 1 रेस्क्यू, क्लियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है कि इन्फेंट के अंदर यदि एक पर्सन है जिसको, एक इन्फेंट है जिसको क्या हो गया है, कार्डियक अरेस्ट हो गया है, और उसको अगर आप 2 पर्सन सीपीआर दे रहे हैं, वहां पे कितने लोग मौजूद हैं, दो लोग क्या दे रहे हैं, सीपीआर दे रहे हैं,
एक क्या कर रहा है कंप्रेशन दे रहा है और एक क्या कर रहा है उसको वेंटिलेशन दे रहा है। तो अगर दो पर्सन है तो उसको क्या करना है 15 कंप्रेशन के बाद में क्या करना है दो बार वेंटिलेशन देना है। यदि वहां पे एक ही पर्सन है, अगर अकेला बंदा है, अगर अकेला पर्सन है उस पेशेंट को क्या कर रहा है सीपीआर दे रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करना है 30 कंप्रेशन के बाद में एक दो बार वेंटिलेशन देना है। सेम यदि यहाँ पे अडल्ट है तो अडल्ट के अंदर हमेशा 30 के बाद में 2 देंगे। अगर चाइल्ड है तो उसको भी अपन क्या देंगे 30:2। यदि यहाँ पे 2:1% है, यदि दो लोग परसेंट है तो यहाँ पे भी अपन 15:2 वेंटिलेशन दे सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इन्फेंट के अंदर यदि 2:1% है तो ड्यूरिंग सीपीआर हाउ कितना रहेगा, हाउ कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो। सो द आंसर इज द 15:2, आंसर इज 15:2। क्लियर है? तो ये था अपना सर्कुलेशन जिसके अंदर अपन ने सारे पॉइंट का डिस्कशन किया। इसके बाद में अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं कि यदि पेशेंट को सीपीआर दे रहे हैं तो कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करनी है। पोजीशन पेशेंट की पोजीशन क्या होनी चाहिए, सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन विथ हार्ट एंड फ्लैट सरफेस। यदि पेशेंट को आप सीपीआर दे रहे हो तो पेशेंट की पोजीशन होनी चाहिए सुपाइन, यानी कि पेशेंट को सीधा लेटाना है और जहां पे लिटा रहे हो वो सरफेस कैसे होनी चाहिए, हार्ड एंड फ्लैट। हार्ड इसलिए होनी चाहिए ऐसा ना हो कि आप कंप्रेशन दे रहे हो और जो सरफेस है वो भी कंप्रेशन के साथ में कंप्रेस हो रही हो, नहीं उस अगर इस कंडीशन में आपको वहां पे क्या नहीं लगेगा, प्रॉपर कंप्रेशन नहीं लगेगा। इसलिए हार्ड सरफेस का होना जरूरी है ताकि वहां पे प्रॉपर क्या लग सके, कंप्रेशन लग सके, प्रॉपर फोर्स लग सके। क्लियर है? पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी है, सुपाइन विद हार्ट एंड फ्लैट सरफेस। क्लियर है? अगर जो रेस्क्यू होते हैं, रेस्क्यू यानी कि जो सीपीआर दे रहे हैं उनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, यदि पेशेंट बेड पे लेटा हुआ है देन स्टैंडिंग पोजीशन। पेशेंट बेड पे लेटा हुआ है देन खड़े रह के आप क्या करना है सीपीआर देना है। अगर पेशेंट सरफेस पे नीचे लेटा हुआ है देन नीलिंग पोजीशन। नीलिंग मतलब घुटने बेंड करके एल्बो को स्ट्रेट सीधा रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अपन ने पेशेंट को 5 साइकिल दे दी हैं, पेशेंट को सीपीआर और वेंटिलेशन के 5 साइकिल दे दिए। 5 साइकिल देने के बाद में वापस अगर अपन को करना है पेशेंट का रीअसेसमेंट आफ्टर द परफॉर्म द 5 साइकिल द फर्स्ट प्रायोरिटी द रीअसेसमेंट। और रीअसेसमेंट सर्कुलेशन प्रेजेंट है या सर्कुलेशन एब्सेंट है, अपन ने ये पढ़ा है सर्कुलेशन। तो यदि अपन ने 5 साइकिल के बाद में वापस अपन को रीअसेस करना है, पेशेंट का सर्कुलेशन देखना है, पल्स चेक करनी है, अगर पेशेंट का सर्कुलेशन प्रेजेंट है तो नो नीड सीपीआर की जरूरत नहीं है। और यदि 5 साइकिल के बाद में भी यदि पेशेंट के अंदर सर्कुलेशन नहीं है देन वापस रीस्टार्ट सीपीआर। आपको वापस दूसरी बार क्या करना है सीपीआर के वापस 5 साइकिल क्या करना है आपको रीस्टार्ट करना है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है अपना, ये था अपना सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के बाद में अपन पढ़ने वाले हैं सी। इसके बाद में अपन पढ़ा था सी के बाद में ए। पेशेंट को अगर आप कंप्रेशन दे रहे हो तो आपको एयरवे देखना बहुत जरूरी है, एयरवे की पोजीशन आपकी कैसी होनी चाहिए। तो नंबर वन एयरवे के अंदर अपन देखें तो हेड टिल एंड चिन लिफ्ट, हेड टिल एंड चिन लिफ्ट, ये क्या होना चाहिए एयरवे की पोजीशन। यानी कि हेड पेशेंट का क्या होना चाहिए टिल पीछे की तरफ और चिन है वो आगे की तरफ, लिफ्ट उठी हुई होनी चाहिए, ये क्या होनी चाहिए एयरवे की पोजीशन। क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द एयरवे पोजीशन ड्यूरिंग सीपीआर, एक पेशेंट के सीपीआर के अंदर एयरवे का क्या पोजीशन होना चाहिए, क्या मेथड होना चाहिए। द राइट आंसर इज द हेड टिल एंड चिन लिफ्ट। क्लियर है? एक मान लीजिए किसी पेशेंट को क्या है ब्रेन या पीछे की तरफ स्पाइनल या नेक की इंजरी हो रखी है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन एयरवे को मेंटेन करने के लिए अपन जो थ्रस्ट मैनुअल यूज में लेते हैं, जो थ्रस्ट मैनुअल, जो थ्रस्ट मैनुअल मीन्स
पेशेंट के नेक की इंजरी हुई है उस कंडीशन के अंदर, ये जो है इसको अपन आगे की तरफ क्या करते हैं, इसको पुश करते हैं। आगे की तरफ पुश करेंगे तो पीछे की तरफ क्या होगा, एयरवे क्या हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा, वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा। इन द कंडीशन ऑफ नेक एंड, इन द कंडीशन ऑफ नेक एंड स्पाइनल इंजरी, स्पाइनल इंजरी यदि पेशेंट के अंदर स्पाइनल या नेक की इंजरी हो रखी है, उस कंडीशन के अपन जो थ्रस्ट मैनुअल यूज लेते हैं, और मोस्ट कॉमनली या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता वो है कि एयरवे को मेंटेन करने के लिए अपन हेड टिल एंड चेन लिफ्ट मैनुअल या एयरवे पोजीशन अपन क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। तो ये था अपना एयरवे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया, एयरवे कंप्लीट हो गया, थर्ड पॉइंट है वो है ब्रीथिंग, कि अपन को कितना ब्रीथिंग डिलीवर करना पड़ेगा एक साइकिल के अंदर या पर सेकंड के अंदर। तो अपन बात करें तो वन ब्रीथिंग पर सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर अपन को एक ब्रीथिंग क्या करना है, कंप्लीट करना है। और अगर आप एक साइकिल है, एक साइकिल के अंदर अपन को 6 to 8 ब्रीथ पर साइकिल, 6 to 8 ब्रीथ पर साइकिल अपन को क्या करना है, ब्रीथिंग देना है। क्लियर है? पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक साइकिल के अंदर आपको कितना ब्रीथिंग अपन को क्या करना है, डिलीवर करना है। 10 क्या है अपन को, 6 to 8 ब्रीथ पर साइकिल। ये था अपना ब्रीथिंग। नेक्स्ट अपना डी पॉइंट है डिफिब्रिलेटर। नेक्स्ट अपना पॉइंट है फोर्थ नंबर, डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर कब यूज में लेते हैं, कि अगर आपन ने पेशेंट को सर्कुलेशन दे दिया है, सीपीआर दे दिया है, सीपीआर के आपने साइकिल दे दिए हैं, आपने ब्रीथिंग दे दिया, ठीक है, उसके बाद में भी पेशेंट क्या कर रहा है, पर वापस उसके जो है फंक्शन है, जो कार्डियक फंक्शन है, वो वापस नॉर्मल नहीं हो रहे हैं, यानी कि पेशेंट वापस रिकवर नहीं हो रहा है, पेशेंट अपने फंक्शन रिगेन नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन यूज लेते हैं लास्ट एंड फाइनल के अंदर अपन डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर का मतलब ये होता है कि पेशेंट को अपन बाहर से आर्टिफिशियली शॉक दिया जाएगा, और शॉक देके उसको क्या किया जाएगा, उसके हार्ट के अंदर एक्टिविटी को अपन क्या करेंगे, स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि वहां पे अगर पल्स नहीं हो रही, हार्ट अगर वहां पे हार्ट का जो कंडक्टिव सिस्टम है वो फेल हो गया है, तो उस अपन को उसको स्टार्ट करने के लिए अपन बाहर से आर्टिफिशियली शॉक देंगे, उसको अपन बोलते हैं डिफिब्रिलेटर। क्लियर? तो डिफिब्रिलेटर के अंदर भी अपन दो टाइप के अपन शॉक दे सकते हैं, एक होता है मोनोफेजिक, दूसरा होता है बाईफेजिक। क्लियर? मोनो मतलब अपन सिंगल करंट दे रहे हैं, बाईफेसिक मतलब अपन दोनों साइड से करंट दे रहे हैं। अगर मोनोफेसिक करंट दे रहे हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी यूज में ली जाती है वो ली जाती है 360 जूल। क्लियर है? अगर बाईफेसिक करंट दे रहे हैं तो उसके अंदर अपन अलग अलग टाइप से एनर्जी यूज में लेते हैं, जिसके अंदर अगर पहली बार में दे रहे हैं तो 200 जूल, सेकेंड टाइम में 300 जूल, और थर्ड टाइम में दे रहे हैं तो 360 जूल। जूल इधर क्या है, पैरामीटर, मात्रक है। क्लियर है? तो बाईफेसिक के अंदर अपन दोनों साइड से करंट देंगे, दो अपन यूज लेंगे क्या, डिफिब्रिलेटर। क्लियर है? तो उसके अंदर अपन क्या करेंगे, करंट देंगे आर्टिफिशियली, उसको ऊपर से प्लेस करेंगे चेस्ट के ऊपर, और चेस्ट के ऊपर भी कहां पे, अगर राइट साइड में है तो थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस एंड लेफ्ट साइड के अंदर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। क्लियर है? डिफिब्रिलेटर को अपन अप्लाई करेंगे पेशेंट के कहां पे, एक राइट साइड के अंदर थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस एंड लेफ्ट साइड के अंदर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे, और उसके बाद में अपन को इस एनर्जी का, अगर मोनोफेसिक है 360 जूल एंड द बाईफेसिक है, यानी कि इसको अंदर अपन को 200, 300 और 360 जूल का अपन क्या करेंगे, उसको करंट देंगे, बाहर से शॉक देंगे, ताकि हार्ट की जो एक्टिविटी है उसको क्या हो सके, रीगेन हो सके, उसके अंदर वापस से क्या हो सके, इसका कंडक्टिव सिस्टम स्टार्ट हो सके। क्लियर है? तो ये था अपना डिफिब्रिलेटर।
इसी के साथ में यदि इसके अपन कॉम्प्लिकेशंस की बात करें कि अगर डिफिब्रिलेटर दे रहे हैं या अपन सीपीआर दे रहे हैं तो इसके साथ में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस के अंदर अपन बात करें तो नंबर वन रिब्स फ्रैक्चर, स्टर्नम फ्रैक्चर, और इसी के साथ में हार्ट या लंग्स इंजरी, हार्ट या लंग्स की इंजरी हो सकती है। अपन बहुत ही ज्यादा कंप्रेशन दे रहे हैं, अगर आपने बहुत ज्यादा कंप्रेशन ले लिया देन रिब्स फ्रैक्चर हो सकता है, स्टर्नम फ्रैक्चर हो सकती है, और इसी के साथ में यदि रिब्स या बोन का टुकड़ा यदि आपको लंग्स या हार्ट को डैमेज कर सकता है तो वहां से हार्ट या लंग्स की क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है। दिस इज द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द सीपीआर। अपन एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि आपके पास में पेशेंट है और वो पेशेंट क्या हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो उस कंडीशन में सबसे पहले आप किसी को हेल्प के लिए बुलाओगे या आप डायरेक्टली सीपीआर स्टार्ट करने वाले हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। यदि अडल्ट पेशेंट है, क्या है, यदि पेशेंट अडल्ट है तो अडल्ट के अंदर आप सबसे पहले क्या करोगे, कॉल फॉर हेल्प और देन सीपीआर। यदि अडल्ट पेशेंट है उसके अंदर आपको क्या करना है, हेल्प के लिए कॉल करनी है और उसके बाद में आपको क्या करना है, सीपीआर स्टार्ट करना है। यदि इन्फेंट है या चाइल्ड है देन आपको क्या करना है, फर्स्ट सीपीआर के साइकिल देना है और आपको साइकिल देने के बाद में देन कॉल फॉर हेल्प। क्लियर है, बहुत ही दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि अडल्ट पेशेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि अडल्ट पेशेंट का आपको सीपीआर करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सीपीआर स्टार्ट करोगे या कॉल फॉर हेल्प। क्लियर है, द राइट आंसर इज द अडल्ट पेशेंट के अंदर कॉल फॉर हेल्प, एंड यदि पेशेंट चाइल्ड है या पेशेंट क्या है, इन्फेंट है, देन सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको सीपीआर के 5 साइकिल देने हैं, देन उसके बाद में आपको क्या करना है, कॉल फॉर हेल्प। क्लियर है, तो ये था अपना सीपीआर टॉपिक, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। क्लियर है, ओके, थैंक यू सो मच।